हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लासवेयर्स का पार्ट टू। इसे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था लगभग 10 ग्लासवेयर्स के बारे में जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट लैबोरेटरीज में। और आज के इस वीडियो में अगेन हम और भी जो ग्लासवेयर्स यूज़ किए जाते हैं लैबोरेटरीज में उसके बारे में बताएंगे। तो पार्ट वन का जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको हम ग्लास स्लाइड बोलते हैं, या इसको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड भी बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पतला फ्लैट ग्लास है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, और इसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि नाम है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, मतलब कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए किसी भी सैंपल जैसे कि ब्लड सैंपल या किसी टिश्यू को एग्जामिन करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, मीन्स टिश्यू स्टडी के लिए, जैसे कि प्लांट के टिश्यू या एनिमल्स के टिश्यू को अगर एग्जामिन करना है, या किसी ब्लड सैंपल या सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हम उस टिश्यू के सेक्शंस को या सैंपल को हम इस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। टिश्यू का सेक्शन मतलब कि किसी भी प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए हम उसको बहुत ही पतला मीन्स थिन उसके कट किया जाता है और उसके बाद उसको हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये हो गया ग्लास स्लाइड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट ग्लासवेयर देख रहे हैं, इसको कवर स्लिप बोला जाता है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही पतला जो है पीस ऑफ ग्लास है जो कि स्क्वायर शेप का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस कवर स्लिप का क्या काम होता है, तो माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड है मीन्स ग्लास स्लाइड के ऊपर जो हम स्पेसिमेन रखते हैं जैसे कि प्लांट्स के टिश्यू, एनिमल्स के टिश्यू, ब्लड सैंपल या कोई सैंपल को रखा रहता है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए, तो इस स्पेसिमेन के ऊपर इस कवर स्लिप से उस स्पेसिमेन को कवर किया जाता है ऑन द ग्लास स्लाइड और उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो कवर स्लिप क्या करता है, कवर स्लिप जो है हमारे स्पेसिमेन को जो हमने ग्लास स्लाइड पे रखा है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको ड्राई होने से बचाता है, और स्पेसिमेन को कवर स्लिप से कवर करने पे वो एक जगह रहेगा। और इसके अलावा जब हम माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस को प्रोटेक्ट करता है, उसको स्टेन होने से बचाता है जब हम स्पेसिमेन के ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आप ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको वॉच ग्लास बोला जाता है। ये भी ग्लास का बना हुआ होता है, उसका शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर कॉनकेव शेप है, और इसको हम यूज़ करते हैं किसी लिक्विड को ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है टू इवेपोरेट, या अगर हम किसी सॉलिड सैंपल को वे करते हैं तो उसको रखने के लिए, या किसी सॉलिड सैंपल को वे करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स हम वेइंग मशीन में इस वॉच ग्लास को रखते हैं, उसको टेयर किया जाता है मतलब उसके वेट को जीरो करके हम सैंपल जिसको वे करना है कोई अमाउंट में तो उसको हम इस वॉच ग्लास के ऊपर रख के वे कर सकते हैं। और इसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अगर कोई सब्सटेंस है उसको हीट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और बीकर को हम कवर करने के लिए भी इस वॉच ग्लास को यूज़ कर सकते हैं ताकि उस बीकर में जो भी हमने कंटेंट रखा हुआ है, जो भी लिक्विड या मटेरियल रखा हुआ है उसको डस्ट या अदर पार्टिकल से कंटेमिनेट से प्रिवेंट करने के लिए, या इस वॉच ग्लास को हम स्मॉल अमाउंट में स्टेनिंग रिएजेंट, स्टेनिंग लिक्विड को रखने के लिए भी यूज किया जाता है स्लाइड प्रिपरेशन के टाइम पे, ताकि हमारा जो प्लांट टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है इसको स्टेन कर सके इस वॉच ग्लास में रखे हुए स्टेनिंग रिएजेंट में डिप करके। नेक्स्ट ये जो ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको बॉयलिंग ट्यूब बोला जाता है। ये लार्ज ट्यूब होता है, अगेन ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है, और इसको हम लैब में यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी लिक्विड को बहुत ही स्ट्रांगली हीट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉयलिंग ट्यूब है ये टेस्ट ट्यूब की तरह ही है, बट इसका साइज जो है ये बड़ा होता है। लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड है, फ्रीली जो है इस लार्ज साइज की ट्यूब में, इस बॉयलिंग ट्यूब के अंदर वो लिक्विड, वो सब्सटेंस फ्रीली बॉयल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको फ्यूजन ट्यूब बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज का है और बहुत ही थिन ग्लास का बना हुआ है, और अक्सर इसको हम यूज करते हैं लैब में फ्यूजन टेस्ट के लिए। जैसा कि नाम है फ्यूजन टेस्ट, मीन्स इसमें क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है। जनरली सोडियम फ्यूजन टेस्ट में हम यूज करते हैं जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें इसके अंदर इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर हम सोडियम डालते हैं और इसको सोडियम को फ्यूज किया जाता है, मीन्स सोडियम जो है इसको गर्म करने पे क्या होगा, सोडियम मेल्ट होगा। सोडियम फ्यूजन टेस्ट इसको एलिमेंट डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन्स को डिटेक्ट करने के लिए इस फ्यूजन ट्यूब को यूज किया जाता है।
रहा है। मीन्स जब इस फ्यूजन ट्यूब को हम फ्यूजन प्रोसेस के टाइम पे मीन्स जैसे कि हम सोडियम मेटल ऐड किए और उसको गर्म किए, तो जब सोडियम मेल्ट करता है और जब हम इसको वाटर में ट्रांसफर करते हैं, मीन्स ऐसे कंटेनर जिसमें हमने वाटर रखा हुआ है, तो क्या होता है, ये जो ट्यूब है क्योंकि बहुत ही पतले ग्लास का बना हुआ होता है तो ये टूट जाता है, बहुत ही स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से फ्यूजन टेस्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट डिटेक्शन के लिए। इसके अलावा फ्यूजन ट्यूब को हम भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेपरेटिंग फनल है ये 250 ml का सेपरेटिंग फनल है जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। इसका जो शेप है ये कोन शेप का है। तो इस सेपरेटिंग फनल को जनरली लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स अगर दो लिक्विड है, मीन्स दो इमिसिबल लिक्विड, ऐसे दो लिक्विड जो कि आपस में घुलते नहीं हैं, तो उन दो लिक्विड्स को अगर हमको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम इस सेपरेटिंग फनल को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो ऑयल और वाटर है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो ऑयल को अलग करना है और वाटर को अलग करना है, तो हम इस सेपरेटिंग फनल की मदद से उन लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, वो लिक्विड है मीन्स मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, मीन्स जो आपस में नहीं घुलते, तो उसको हम सेपरेटिंग फनल में ऐड करते हैं। तो क्या होगा, दो लेयर दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नॉब है इस नॉब को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करेगा, लिक्विड जिसकी हाई डेंसिटी होती है वो जो डेंसर होता है वो सेपरेटिंग फनल के बॉटम में आता है। तो क्या होगा, जब हम इस नॉब को ओपन करते हैं, ये जो नॉब दिया गया है इसको ओपन और क्लोज किया जा सकता है, तो जब हम इस नॉब को ओपन करते हैं नीचे के लेयर को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नॉब को क्लोज कर लिया जाता है, और उसके बाद दूसरे कंटेनर में अगेन हम उस नॉब को ओपन करके जो रिमेनिंग जो लेयर है ऑफ अदर लिक्विड तो उसको हम अदर कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इस टिप के थ्रू लिक्विड बाहर आता है और ये जो देख रहे हैं ये सेपरेटिंग फनल का कैप है। इस कैप को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, मीन्स किसी लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल में डाल के इस कैप को अच्छे से टाइटली लगा के हम इस सेपरेटिंग फनल को शेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सेपरेटिंग फनल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आप ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको कंडेंसर बोला जाता है, और इस कंडेंसर को हम जनरली डिस्टिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेशन मतलब कि वो लिक्विड है जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं से या वाटर है, तो उसको हम क्या करते हैं, बॉयल किया जाता है। बॉयल करने पे क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर करने के बाद ये जो कंडेंसर पे जब वेपर पास होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, मीन्स वेपर जो है वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस लिक्विड को अलग जगह उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। या इसको रिफ्लक्स करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मीन्स अगर कोई मिक्सचर को, मीन्स कोई सैंपल को अगर लंबे समय तक बॉयल करना है विदाउट द लॉस ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स बॉयलिंग के समय अगर हमको सॉल्वेंट का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करना है, तो क्या होता है, हम उस फ्लास्क में या राउंड बटन फ्लास्क में कंडेंसर फिट कर दिया जाता है बॉयलिंग के टाइम पे। तो क्या होगा, जब सॉल्वेंट बॉयल होगा तो जो वेपर है वो कंडेंसर में पास होगा, कंडेंसर में वेपर जो है सॉल्वेंट का वो वापस से कंडेंस होके ड्रॉप बाय ड्रॉप अगेन फ्लास्क में वापस से आते जाएगा, जिससे सॉल्वेंट लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए बॉयल करने के लिए। अगेन एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, मीन्स अगर कोई सैंपल को हमको किसी सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट करना है तो सॉल्वेंट को रिसाइकल करने के लिए अगेन हम उस कंटेनर या उस फ्लास्क में कंडेंसर फिट किया जाता है, ताकि हम सॉल्वेंट को क्या कर सके, सॉल्वेंट को रिसाइकल कर सके कंडेंसर की मदद से एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। एक कूल वाटर इनलेट है जहाँ पे हम रबर पाइप को कनेक्ट करते हैं ठंडे पानी को अंदर जाने के लिए, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं अगेन यहाँ पे रबर ट्यूब जो है कनेक्ट किया जाता है, ये वाटर आउटलेट के लिए होता है, और यहाँ पे हम फ्लास्क को जैसे कि राउंड बॉटम फ्लास्क को हम यहाँ पे फिट करते हैं, मीन्स कनेक्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आउटर ट्यूब है, इस आउटर ट्यूब के अंदर इनर ट्यूब भी है, और इस इनर ट्यूब में ही जो वेपर है वो पास करता है, और आउटर जो ट्यूब है उस आउटर ट्यूब से कोल्ड वाटर है वो सर्कुलेट करता है। के बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको रिएजेंट बॉटल बोला जाता है। इस रिएजेंट बॉटल को हम डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एसिड हो गया, अल्कली हो गया या अदर रिएजेंट्स, जैसे
डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड या डायलूट नाइट्रिक एसिड हो गया या कोई अल्कली सॉल्यूशन हो गया या डिफरेंट रिएजेंट्स जो हम डिफरेंट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज़ करते हैं, तो उन रिएजेंट्स को हम बना के इस बॉटल में हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो केमिकल्स को या तो लिक्विड फॉर्म में या तो पाउडर फॉर्म में इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिएजेंट बॉटल इस ग्लास से बने हुए होते हैं वो एंटी कोरोसिव होते हैं, मतलब कि कोरोजन नहीं होता है, इसलिए हम सेफली जो है हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएजेंट बॉटल में इस तरीके से स्टॉपर मींस कैप प्रोवाइडेड रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे ग्लासफेयर देख रहे हैं इसको पेट्री डिश बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेट्री डिश बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। इस पेट्री डिश में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जिसमें सब्सटेंस को हम स्टोर करते हैं और दूसरा कवर होता है। और इस पेट्री डिश को मेनली यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में सेल कल्चर करने के लिए। मतलब क्या करते हैं हम, इस पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड किया जाता है और उस न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर सेल ग्रोथ के लिए उसको सेल कल्चर के लिए उसको रख दिया जाता है। मींस सेल कल्चरिंग के लिए प्रॉपर स्पेस इसमें प्रोवाइडेड रहता है, ताकि कवर इसमें लगा रहता है ताकि हम इसमें कंटेमिनेशन से इसको प्रिवेंट किया जा सके। और क्योंकि आप देख सकते हैं ये पेट्री डिश जो है कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, ताकि हम जो सेल का जो ग्रोथ हो रहा है उसको हम ईजिली जो है ऑब्जर्व कर सके। तो क्या किया जाता है, इस पेट्री डिश के लोअर पार्ट में हम न्यूट्रिएंट मीडिया ट्रांसफर करते हैं कंटेनिंग अगार, जो कि सॉलिडिफाई हो जाता है, और उसमें हम किसी बैक्टीरिया जिस पे फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए उसको रख दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए लैब में। तो पेट्री डिश का नाम पेट्री डिश किस तरीके से पड़ा, तो एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस रिचर्ड पेट्री, जिसने इस डिश को इन्वेंट किया और इसका नाम रखा गया पेट्री डिश। इसके बाद नेक्स्ट जो आप पे ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोला जाता है। इसको राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों बोलते हैं, जैसे कि नाम है इसका जो बॉटम है वो राउंड है और कम्प्लीटली ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो है ये स्फेरिकल शेप का है। और इसमें देख सकते हैं इसका जो नेक है ये लॉन्ग नैरो नेक दिया गया है इसमें, और ये जो देख रहे हैं ये इस राउंड बॉटम फ्लास्क का जॉइंट है जहाँ पे हम अटैच करते हैं कंडेंसर या किसी अदर एपरेटस को। और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो इसका राउंड बॉटम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्म हीटिंग होती है जब इसको हीटिंग मेंटल या किसी हीटिंग सरफेस में इसको हीट किया जाता है। और इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम जनरली यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन के लिए, इसको यूज़ किया जाता है या कैसे केमिकल रिएक्शन करने के लिए, केमिकल सिंथेसिस के लिए, या किसी सैंपल को या लिक्विड को हीट करने के लिए, बॉयल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी राउंड बॉटम फ्लास्क है, 1000 ml का बोरोसिलिकेट का बना हुआ ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। और ये जो देख रहे हैं ये जॉइंट है फॉर अटैचमेंट्स, और अगेन हम इसको भी सेम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जैसा हमने अभी लॉन्ग नेक राउंड बॉटम फ्लास्क के बारे में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको भी राउंड बॉटम फ्लास्क बोला जाता है, और ये टू नेक राउंड बॉटम फ्लास्क है 100 ml का। देख सकते हैं इसमें टू नेक है, वन पहला नेक और ये दूसरा नेक। और जनरली इस टाइप के जो राउंड बॉटम फ्लास्क होते हैं उसको हम डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के एक नेक में कंडेंसर फिट कर दिया जाता है, दूसरे नेक से थर्मामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस उस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो कंटेंट है उसके टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से डिफरेंट पर्पस अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वन नेक या टू नेक राउंड बटन फ्लास्क यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस और रिएक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसी तरीके से थ्री नेक राउंड बॉटम फ्लास्क भी अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 500 ml का राउंड बॉटम फ्लास्क है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है, और इसका ये थ्री नेक है, पहला नेक, दूसरा नेक और ये तीसरा नेक। और यहाँ पे देख सकते हैं तीनों नेक में यहाँ पे जॉइंट्स दिए गए हैं अटैचमेंट्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए, सिंथेसिस रिएक्शन के लिए ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या मोर कॉम्प्लेक्स बॉइलिंग फ्रैक्शनेशन प्योरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरीके से थ्री नेक के राउंड बॉटम फ्लास्क यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया इस थ्री नेक के राउंड बॉटम फ्लास्क को, जैसे एक नेक में कंडेंसर फिट कर दिया गया, मींस एक नेक का जो सॉकेट है उसमें हम कंडेंसर फिट कर दिए, दूसरे से हम थर्मामीटर ऐड कर दिए ताकि हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सके, मींस उस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो कंटेंट है, जो भी राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड किया गया है उसके टेम्परेचर को हम ऑब्जर्व कर सके थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द रिएक्शन, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल कर किया जा सके। और थर्ड नेक से अगर हमको
एक्सपेरिमेंट के टाइम, ये केमिकल रिएक्शंस के टाइम अगर हमको कोई और केमिकल जो है इंट्रोड्यूस करना है बीच में कभी, तो हम इस थर्ड नेक के थ्रू हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक प्रोसेस हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम वन नेक, टू नेक या थ्री नेक हम राउंड बॉटम फ्लास्क यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को, किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेम्परेचर रेंज जो है फ्रॉम द 100, 200, 300, 360 तक इसका टेम्परेचर रेंज आप देख सकते हैं। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस का बहुत ही हाई टेम्परेचर में है या हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम इस थर्मामीटर के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस थर्मामीटर के एक साइड में यहाँ पे मर्करी है, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये जो मर्करी है ये एक्सपांड होता है, मूव करता है, और जितना उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है या जितना उस सब्सटेंस का टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर तक ये मूव करता है, जिससे हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एग्जैक्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है या एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मोटर पेस्टल बोला जाता है। ये ग्लास का मोटर पेस्टल है, और ये जो ग्लास के मोटर पेस्टल होते हैं ये स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं। मीन्स अगर कोई हम ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हमको नॉन पोरस और नॉन स्टेनिंग ग्राइंडिंग सरफेस चाहिए रहता है, तो हम उस चीज के लिए, हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए हम इस तरीके से ग्लास के मोटर पिस्टल हम यूज करते हैं। और क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है, तो हम जनरली जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए, उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इस तरीके से ग्लास मोटर पिस्टल को यूज करते हैं, और हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए हम ग्लास के मोटर पिस्टल यूज नहीं करते हैं। जनरली इसको हम यूज करते हैं जब रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में हमको लिक्विड को इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो ये हो गया डिफरेंट ग्लासवेयर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।